नमस्कार, वेलकम टू अवर नाना स्टार्ट फार्म चैनल। ये हमारी घोड़ी है हीर, ये मना कर रही है नज़दीक आने के लिए। शाम का टाइम है, मौसम बढ़िया है, बाकी कान ऊपर करके अंदर जाने की तैयारी हो रही है। शाम का टाइम होते ना इनको दाने का देने का टाइम हो जाता है, तो वो अंदर जाने के लिए ना ज़्यादा वो करते हैं। और दाना नहीं देते तब तक क्या है, तूफान थोड़ा बहुत करते हैं। नीचे बारिश की वजह से थोड़ा कीचड़ हुआ है, ताकि कल बारिश हुई थी। और ये है जोधा, मस्ती करने में बहुत आगे रहती है, और कभी कभी ना हार नज़दीक ले जाने से कोशिश भी कर लेती है नुकसान करने की। और उसने ये आज काम किया है, ये अभी दाना तैयार हो रहा है। दाने में हम लोग गेहूं प्लस जौ तो मिक्स करके उसमें हॉर्स मिक्स है और ऑयल है, चारों के लिए तैयार करके अभी शाम को दे देंगे। और अभी ये तैयार हो गया है, अभी मैंग लेके जाके रख देगा। जब तक दाने नहीं मिलते इनको शांति नहीं होती, तो दाने अभी शिवू को दे दिए हैं और ये डेली ठीक करते खो। ये है शिवू, शिवू ने दाने खा लिए हैं, बाकी रेडी है। अभी मौसम थोड़ा सा कल ख़राब हुआ था, आज तो ठीक है तकरीबन। और ये हमारा वीर कोल्ट है, ये 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं अभी। और इसको हम है ना खुले छोड़ देते हैं, दिन भर ऐसे ही इतने एरिया में घूमते रहता है, मस्ती करते रहता है, पकड़ने में बहुत परेशानी करता है, फिर अकेला रहता है ना। तो छोटा है, मस्ती बहुत ज़्यादा करता है ये। मयंक पकड़ लेता है, लेकिन थोड़ा मशक्कत करने के बाद। ये जोधा और शिवू को पीछे से ना अपना पैर खींच के ना आगे की ओर जाना होता है, पता नहीं आगे क्या रखा है। बस हीर थोड़ा कम मस्ती करती है। योगेश आ गया है, अभी अभी जोधा को लेके अंदर जाएगा। और अभी टाइम हो गया है शाम का, तो अंदर कर देते टाइम से, ताकि बारिश आने का चांस है, रात में आ सकता है जल्दी बारिश, थोड़ा बादल ऐसे हो रखे, तो ताकि कीचड़ में बाहर रहने से क्या है ज़्यादा मस्ती भी करते ना कीचड़ की वजह से। और अभी अंदर लेके जा रहा है, लेकिन देखो ये है ना अभी पानी से भी इनका डर लग रहा है यार, कैसे होगा इनका ना, पानी से भी डर रहे, इतना कितना पानी, बहुत ही कम पानी, फिर भी डर लग रहा है इनका। तो इनको लग रहा है ना पानी में रखना पड़ेगा ज़्यादा टाइम। अभी अंदर करेंगे लास्ट में ना, लास्ट वाले रूम में इनको शिवू और इनको दोनों को साथ में रखते हैं, ताकि क्या है कि ये पहले से बच्चे थे तब से साथ में बड़े हुए, तो मैनेज कर लेते। वैसे एक दूसरे के रूम में तो नहीं मैनेज करता कोई, दो घोड़े एक साथ रखना मतलब मुश्किल काम है, लेकिन ये कर लेते हैं, ताकि जब से जब हम छोटे बच्चे लाए तब से, ये 4 मंथ के तब लाए थे हम, तब से साथ में हैं, तो मैनेज कर लेते हैं। अभी शिव को अंदर ले जाएंगे और उसी के साथ जाएगी रूम में। ये अभी मस्ती अंदर करते हैं, लेकिन इतना कोई डर वाली बात नहीं कि एक दूसरे को लात मारेंगे, ऐसे मैनेज कर लेते आपस में अभी। लेकिन इनको ध्यान रखना पड़ता है, एक को निकालो फिर दरवाज़ा बंद कर दो, नहीं तो वो दोनों भाग के बाहर आ जाते। तो अभी दरवाजे में से ही अंदर करना पड़ रहा है। और अभी वीर की बारी है, वीर तैयार खड़ा है बिल्कुल अपनी कंडीशन में कि मेरी बारी है। अभी वीर को सेपरेट रूम दिया गया है,
ताकि वो अभी अलग किया ना उसकी माँ से, तो उसको अलग ही रूम दे दिया अभी, ताकि वो दोनों के साथ रख नहीं सकते, हीर के साथ रखना ठीक नहीं है अभी, तो अभी उसको अलग ही रखते हैं। बाकी पीछे मक्का लगाया है, मक्का बारिश के साथ हुआ है, इतना ठीक नहीं हुआ लेकिन काम चला लेगा अभी। बाकी फिर अभी बारिश के बाद सर्दी आ जाएगी, तो फिर रचका रुचका लगा के फिर इनका काम चलाया जाएगा। और वीर जल्दी करो, अंदर चलने की तैयारी करो, अभी आए हैं, अभी शांत हो गया ये, बिल्कुल अकेला, पीछे पीछे कोई पकड़ने की ज़रूरत नहीं, बड़ा होशियार हो गया है। ये है प्यार घोड़ों के साथ का, धीरे 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 अपना साथ में बिना पकड़े अंदर चले गया। दूसरे वाले रूम में हम वीर को रखते हैं, देखा, बस इशारा काफ़ी है, इतना समझदार बड़ा होके भी रहे बड़ा होके तो फिर मस्ती करते हैं बच्चे ना, अभी छोटे हैं तब तक चल जाता, फिर कहीं भाग जाएंगे फिर पीछे भागना पड़ता है।